ये देखो गाइस, हमारे उस्ताद जी पनीर भुर्जी बनाने में लगे हुए हैं। और सबसे पहले पता नहीं क्या डाला है कढ़ाई में, आपको दिखाते हैं। ये क्या है उस्ताद जी? चौप मसाला बन रहा है भाई। ये ऑनियन की कटिंग है और अभी पता नहीं क्या क्या घेरेंगे इसमें, तब जाके आपकी बनेगी ये पनीर भुर्जी। अरे बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं यार, स्वाद आ जाता है। ये देखिए मिर्च, देखिए भाई साहब मसाला भुन गया है, इससे थोड़ा कलर आ गया। तो सुन रहे हो आप, बता रहे हैं उस्ताद जी, ये टमाटर की चॉप कटिंग डाली है उस्ताद जी ने, और आगे बताते हैं क्या क्या डलेगा इसमें, तब जाके होगी आपकी तैयार ये पनीर भुर्जी। स्वाद के अनुसार सॉल्ट डाल दिया इसमें, एक चम्मच चिली, उसी हिसाब से डालते हैं। ये धनिया पाउडर हो गया, मसाले ज्यादा नहीं होंगे जी खाने में, ऐसे खाने जलन, तभी जाके खाने में स्वाद आता है। मसाले प्रॉपर होने चाहिए। ये कस्तूरी मेथी हो गई, हमारा साफ करा हुआ रखा हुआ है पहले से, अब ढंग से बुनाई करनी है इसकी। जब तक इसकी बुनाई हो रही है, हाँ जब तक इसकी बुनाई होगी फिर करेंगे पनीर चॉप। दिया गया है गाइस पनीर टिक्का, इसको करेंगे चॉप। देखिए पनीर डलने जा रही है, पनीर भुर्जी की रेसिपी होगी तो तैयार बनके। देखते हैं स्वीट में क्या बना है आज। ये क्या है? अरे वाह भाई वाह, सिमर अच्छी है। और देखिए इसमें काजू वाजू भी डाल दिए हैं, किशमिश काजू, बहुत ही प्यारा स्वीट बना हुआ है।